सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर पबजी द मोबिलिटी की वीडियो में। और ये पता नहीं साउथ कोरिया क्यों दिख रहा है साइड में। भैया मेरा नेटवर्क ठीक ठाक है क्या? पता नहीं, कुछ भी बोलो। सो गाइस, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों मुझे बहुत पहले से क्वेश्चंस करते आ रहे हो कि भैया तुम्हारा सेंसिटिविटी दिखा दो, तुम कैसे खेलते हो, तुम्हारा सेटअप दिखा दो, मतलब क्लॉ सेटअप दिखा दो। तो बस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गेम प्ले वेम प्ले नहीं होने वाला यार, क्योंकि हम रैंक पुश वगैरह कर रहे हैं, तो उसी में बिजी है। देख लो, क्राउन 3 पे पहुँच चुका हूँ, और सर्वर रैंकिंग देखी जाए मेरी कितनी है, तो सर्वर रैंकिंग है 1669। तो इसे जल्दी कॉन्करर करना है हमको, ठीक है। तो इसी वजह से वीडियोस थोड़ी सी डिले हो रही है। वैसे वीडियोस हैं मेरे पास, लेकिन टाइमिंग नहीं है, क्योंकि अभी इसके बाद जस्ट मेरे को कॉन्करर भी पुश करना है। तो चलो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, कि हम मेरे सेटिंग वेटिंग पे, ठीक। तो कैसे आप लोग, तो सेंसिटिविटी पे, तो हाँ सेंसिटिविटी पे देख लो, मैं ये जो लो मीडियम हाई है ना तुम्हारा, ये लो मीडियम हाई, तो इन तीनों में से मैं हाई वाला रखता हूँ, ठीक है। हाई वाला रखता हूँ, मैं खुद से कुछ कस्टम नहीं चेंज करता मैं, ठीक है, हाई वाला रखता हूँ। और ये जो जायरोस्कोप है, जायरोस्कोप मेरा रहता है फुल। ये देख लो जितने भी ये सारे हैं, रेड डॉट का 200, जायरोस्कोप नोस्कोप का 200, 2x का 200 और 3x का भी पूरा, ये 60 कैसे यार 200। तो ये मेरा जो है जायरो की सेटिंग रहती है, जो कि सब बहुत मेन है। और अगर ADS सेटिंग बात की जाए, तो ये देख लो जो भी तुम्हारा हाई पे रहता है, नोस्कोप 120, रेड डॉट 60, 2x 36, 3x 17, ठीक है। और ये मेरे को बेस्ट सेटिंग लगती है यार मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मास्टर कर रखा है, तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना ऐसी। तो ये सेटिंग मेरे लिए बेस्ट है। बाकी तुम खुद देखो यार, ऐसा होता है किसी और का सेंसिटिविटी अगर तुम लोग कॉपी करोगे तो उसे समझने में तुमको 1 महीना लग जाएगा। तो वही 1 महीना तुम खुद की सेटिंग समझने में लगाओ, खुद का मतलब ये सेंसिटिविटी है उसको समझने में लगाओ, तो भाई तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी बैठेगा, ठीक है। वरना मैं भी चाहता, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं सेंसिटिविटी पहले कॉपी करता था, लेकिन पहले सोचा भाई छोड़ो क्या करना है यार, जो यहाँ पे अपनी हाई वाली सेटिंग रहती है वहीं पर मैंने मास्टरी की और अच्छा खासा चल जाता है यहाँ से। अब आ जाते बेसिक सेट, ये हैवी पे क्यों है, ये रहता है मेरा लाइट पे, ठीक है। तो ये लाइट पे रहता है, दरअसल मैं नोट 8 प्रो में खेल रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत देर बाद गेम ऑन किया तो ऐसा हो रहा है। तो ये मेरा लाइट पे रहता है, और बाकी ये देखो, ये हीट मार्कर वगैरह, ये क्विक स्कोप, क्विक आइटम, ये ऑफ रहता है, ठीक है। ये जो क्विक आउटन का आइटम का काम ये होता है कि जब तुम नेट फेंकते हो ना, तो उसको टैप करके रखना नहीं पड़ता, बस नेट पे टैप करो, उसके बाद फायर बटन पे तुम्हारा नेट का सारा होल्ड आ जाता है। तो इसलिए ये ऑफ रखता हूँ मैं, हीट मार्कर भी ऑफ रहता है मेरा। और इधर से देखो, पीक एंड फायर का ऑप्शन, ये सबको तुमको पता ही होगा। और जायरोस्कोप मेरा ऑलवेज ऑन पे रहता है, ये देख लो, जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन पे रहता है, क्योंकि विदाउट जायरोस्कोप मैं खेल नहीं सकता भाई, मैं नहीं खेल सकता विदाउट जायरोस्कोप भाई, बहुत ही गंदा है मैं, मतलब ADS बहुत ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरा ADS समझ लो मेरा पूरा का पूरा जायरोस्कोप, इसीलिए ऑलवेज ऑन पे रहता है, एंड जायरोस्कोप बेस्ट है कुछ भी कहो। अब आते हैं अपने कंट्रोल सेटअप पे, ठीक है। तो ये देखो मेरा कंट्रोल सेटअप, ये फायर बटन सबको मैं जल्दी जल्दी से वो कर देता हूँ, ताकि तुम सबको पता चल जाए। तो ये मेरा ये रहता है, ये आई बटन दरअसल मैंने पहले एम पे रखा हुआ था, फिर इधर कर दिया, पता नहीं क्यों उससे दिक्कत हो रही थी शायद मेरे को। तो ये देख लो गाइस, ये है मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल, 4 फिंगर क्लॉ विद फुल जायरो, और ये रन वाला बटन। तो ये है मेरा पूरा का पूरा सेटअप, कंट्रोल सेटअप 4 फिंगर क्लॉ का। तो यहाँ पर मेरा फायर बटन, दोनों के दोनों यहीं पर रहते हैं, एक और भी यहीं कहीं पे छुपा पड़ा होगा, तो दोनों के दोनों यहीं पर रहते हैं। बैक पैक नीचे की तरफ, ये देख लो पीक वेक वगैरह के, जो ऊपर यहाँ पे तुम पीक वेक अगर देख रहे हो सारे, भाई एक ही उंगली से हैंडल करना पड़ता है मेरे को, बाकी जायरो रहता है तो मेरे को ADS की टेंशन नहीं रहती, इसलिए हो जाता है इतने मेरा सब कुछ ठीक। तो बस ये मैंने दिखाया तुमको अपने कंट्रोल सेटअप। अब दिखाते हैं, क्यों क्या बचा वैसे यार, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे ग्राफिक्स देख लो यार, बैलेंस एक्सट्रीम पे रहता है हमेशा। पहले जब मेरा Y2 हुआ करता था, तब मैं स्मूथ एक्सट्रीम पे खेला करता था, Y2 में पता नहीं सपोर्ट करता है नहीं, बट स्मूथ एक्सट्रीम ये सही था मेरे ख्याल से। अब जब थोड़ा सा फ़ोन तगड़ा आ गया, HD एक्सट्रीम भी चलता है, बट नहीं हम बैलेंस एक्सट्रीम पे खेल लेते, क्योंकि भैया इसमें ना तो फ्रेम ड्रॉप होता है, प्लस 60 FPS देता है पूरा पूरा, तो ये सही रहता है मेरे लिए। और व्हीकल मेन वही सेंसिटिविटी भी दिखा दी, पिकअप के ऑप्शन पे भी देख लो, पिकअप पे यहाँ पर तुमको नेड वेड रख लेना पड़ता है, ये पता नहीं क्या चीज़ें रखी है। नेड में रखता हूँ हमेशा 4, स्मोक रखता हूँ 3, मॉली रख लेता हूँ 2। तो ये पिकअप का ऑप्शन हो गया, बाकी ठीक है। अब क्या बचा। हाँ, तो गाइस ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो भी सेंसिटिविटी है, प्लस मेरा 4 फिंगर जायरो का सेटअप दिखा दिया मैंने तुम लोगों को, कि मैं कैसे खेलता हूँ 4 फिंगर क्लॉ विथ फुल जायरो, और मेरी जो है सेंसिटिविटी। तो आई होप गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, और
सही बताऊँ तो मेरे पास वीडियो को एडिट करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम लोगों को आज ये अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग दिखा दी। तो आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा ये। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट इसी तगड़े से कंकुरर लेवल के गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए ना एंजॉय एंड बाय।